और आपको बता दें आज राजकोट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीत लिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस मैच से युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ अपने टेस्ट डेब्यू करेंगे। अब से थोड़ी देर में दोनों के बीच मुकाबला शुरू होगा। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, पृथ्वी शॉ के लिए आज बड़ा दिन, और वैसे इस फैसले को क्या कहेंगे, सही फैसला भारत की तरफ से वहां के पिच और कंडीशन को देखते हुए? अश्विता, आप तौर पर आप भारत में खेलते हैं तो टॉस जीतकर बैटिंग ही करते हैं। मुझे लगता है कि राजकोट में आप देखेंगे कि यहाँ पर रन बनेंगे, तो बैटिंग करना पहला अच्छा ही रहेगा। भारत ये भी चाहेगा कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता विकेट में क्लियर एंड क्लियर हो और स्पिनर्स का इस्तेमाल हो पाए और साथ ही वेस्टइंडीज की बैटिंग हो। पृथ्वी शॉ के लिए ही बड़ा दिन नहीं है, मेरे ख्याल इंडियन क्रिकेट के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि मुंबई स्कूल ऑफ क्रिकेट से एक और ऐसा बल्लेबाज आया है जिसने एक छोटी एज में अपनी छाप छोड़ी थी। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और पृथ्वी शॉ, इस दौरान और भी बहुत बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ और सचिन तेंदुलकर में सिमिलैरिटीज बहुत थी। एक ही उम्र में इम्पैक्ट हुआ, स्कूल के क्रिकेट में इम्पैक्ट हुआ, क्लब क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, और वो उन्होंने पिछले 18 महीने में हर जगह रन बनाए। आज अब से 20 मिनट के बाद से उनकी लड़ाई शुरू होगी, क्या टेस्ट क्रिकेट उनके और कैसा रहता है आगे, आपको आपसे उस पर भी हम जानकारी लेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।